मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में छात्रों का हंगामा और इस वीडियो अपडेट में जानेंगे आखिर यह हंगामा किस वजह से हुआ और कब हुआ। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। से पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर ले सब्सक्राइब। दरअसल मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर छात्रों का जमकर हंगामा हुआ। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर ITI की परीक्षा देकर छात्र अपने घर जाने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान जंक्शन पर रक्सौल जाने वाली पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन आई, जिसमें घुसने के लिए छात्रों ने धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। मुजफ्फरपुर में ITI की परीक्षा देकर घर लौटने वाले छात्रों का कहना है कि उन्हें ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिला, जिस वजह से उन्हें धक्का मुक्की ट्रेनों में करना पड़ा। दरअसल स्टेशन पर छात्रों के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं था और भीड़ काफी अधिक था, जिसके बाद छात्रों ने हंगामा किया। वहीं छात्रों के लिए भीड़ उबरने के साथ साथ आम पैसेंजर को स्टेशन पर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर स्टेशन पर कई छात्र आ चुके थे, जिस वजह से स्टेशन पर भीड़ काफी बढ़ गई थी और इसको नियंत्रण करने के लिए यहां पर कोई व्यवस्था भी नहीं थी और ना ही स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी उन छात्रों के लिए जो लोग एग्जाम देने आए थे। ऐसे में रेलवे को भी समझना चाहिए और स्टूडेंट के लिए एग्जाम स्पेशल ट्रेन का परिचालन कराना चाहिए, क्योंकि अगर आम पैसेंजर ट्रेनों में स्टूडेंट सफर करेंगे तो जाहिर है कि धक्का मुक्की और हंगामा तो होगा ही। ऐसे में छात्रों की संख्या इतनी अधिक हो गई थी कि छात्र फुटपाथ पर लटककर ट्रेन में सफर कर रहे थे, जो कि काफी खतरनाक है। और ऐसे में पैसेंजर को भी असुविधा होने लगी, क्योंकि जो लोग कन्फर्म टिकट के माध्यम से सफर कर रहे थे उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि कोविड नियमों की इसी दौरान धज्जियां उड़ाई गई। बता दें कि बिहार के स्टेशन पर पैसेंजरों के प्रवेश के लिए कोविड नियम बनाया गया है। वहीं स्टेशन परिसर में पैसेंजरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और कराना जरूरी है, लेकिन छात्रों के भीड़ द्वारा कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लेकिन यहां पर गलती छात्रों की नहीं है, यहां पर गलती पूरी तरह से व्यवस्था की है और स्टेशन परिसर में अधिकारियों की है, क्योंकि जब उन्हें मालूम रहता है कि छात्रों का एग्जाम चल रहा है तो उन छात्रों के लिए अलग से कोई इंतजाम क्यों नहीं किया गया और अलग से स्पेशल ट्रेन क्यों नहीं चलाया गया। सिस्टम का तो दोष है ही, साथ ही एग्जाम स्पेशल ट्रेन का शुरुआत पिछले वर्ष भी हुआ था, लेकिन इस साल क्यों नहीं हुआ, यह अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है। बहरहाल जो भी हो, आने वाले कुछ नए एग्जामों के लिए रेलवे को एग्जाम स्पेशल ट्रेन अवश्य चलानी चाहिए और उम्मीद करते हैं कि रेलवे हमारी आवाज़ और आपकी आवाज़ को सुनेगा और बिहार के चुनिंदा रूटों पर एग्जाम स्पेशल ट्रेन की शुरुआत करेगी, क्योंकि इस तरह का हंगामा अक्सर देखने को मिलता है जब बिहार में कई महत्वपूर्ण एग्जाम चालू होते हैं। ऐसे में कोरोना का पालन तो दूर, कोरोना का नाम तक कोई पैसेंजर जानता नहीं है। तो ये था आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट। यह अपडेट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं।